स्वागत है दोस्तों एक और वीडियो में, जो कि आप लोग के बीच में काफ़ी समय बाद फिर से मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। वीडियो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी अभी बैकअप में पड़ी हुई है, जो कि अपलोड करने के लिए बाकी है और बहुत से चीज़ें बाकी हैं, लेकिन कुछ फ़ोन की समस्या और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मैं इस वजह से शूट कर रहा हूँ कि बहुत लोग को मतलब और भाइयों को बताना था कि इस बार झारखंड वाले रोड शो में शायद मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले ही गांव से आया हूँ अयोध्या से, और यहाँ पहुँचने के बाद तबीयत ख़राब हो चुकी है। फीवर और पूरी बॉडी में दर्द, खांसी, ज़ुकाम, बहुत सारी समस्या, तो जिस वजह से शायद मैं बोकारो वाला रोड शो ना कर सकूँ। बाकी आप लोग देख सकते हैं भाई, अभी रजाई में लेटा हुआ हूँ, देख रहे होंगे एक अंदर कंबल है और ऊपर रजाई है, ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा। फीवर 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से अब बोकारो वाला रोड शो शायद मैं कैंसिल कर दूं, मैं ना पहुंच पाऊं, क्योंकि बहुत भाइयों का कहना था कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों बहुत से भाई लोग हमारे यूपी से भी जा रहे थे, तो वो मेरे पास कॉल करके पूछ रहे थे कि भैया आप चलोगे कि नहीं चलोगे। तो इसी वजह से ये वीडियो है, जो भी भाई लोग हमारे यूपी से देख रहा हो और जो सोच रहा हो कि मैं चलूँगा आप लोग के साथ, तो शायद भाई मैं अभी ना जा पाऊँ जब तक तबीयत नहीं ठीक हो रही है। हो सकता है कि 17 या 19 वाले रोड शो में अवेलेबल रहूँ अगर तबीयत ठीक रही तो, अदरवाइज अभी तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि फीवर के साथ साथ पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है और बहुत से भाई लोग नॉन स्टॉप कॉल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि हद से ज़्यादा। तो भाई अगर जो वो लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अभी मिक्सिंग वगैरह का काम जो है वो थोड़ा स्लो है जब तक तबीयत नहीं ठीक हो जाती है। बाकी कोशिश करूँगा मैं, अगर तबीयत ठीक हो जाती है तो 17, 19 और 20 वाले रोड शो में अवेलेबल रहूँगा। बाकी अगर आप लोग के पास कोई भी अपडेट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी भी तमन्ना थी इस बार कि ये मैं रोड शो कवर करूँ, क्योंकि उसके पीछे 2 रीज़न है, 15 तारीख को पंकज भैया का और फिर आपका 17 तारीख को शशि भैया का, 19 सार्जन, 20 जय भोले, ये आपके चारों सेटअप आप देखने को मिलते, और ये देखने को मिलता कि इस बार क्या अपडेट है सेटअप में और क्या खासियत लगी, लाइटिंग क्या डिफरेंट रहने वाली है और बहुत सी चीज़ें। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मैं पहुंच पाऊंगा। बाकी दोस्तों फ़ोन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे पास कि मैं आऊँगा भी तो मैं वीडियो शूट करके अपलोड करने में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस फ़ोन की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि बैक कैमरा में तो लेज़र का निशान आ ही चुका है और इसके अंदर स्पेस की कमी बहुत ज़्यादा है। ये समझ लीजिए कि मैं कितना भी इसमें से वीडियोज़ डिलीट कर देता हूँ लेकिन तब भी स्पेस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो सोच रहा हूँ एक फ़ोन ले लूँ जिससे वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ी आसानी हो। ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि बजट प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, अभी अगर 20 तारीख के बाद में कोई भी रोड शो होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगा मैं फिर आप लोग के पास आ सकूँ, आप लोग से मुलाकात कर सकूँ। और एक अच्छा अच्छा रोड शो आप लोग को दिखा सकूँ। बाकी अभी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत से भाइयों को मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो भी कमेंट कर रहे थे या जो भी भाई कॉल करके पूछ रहे हैं आने के लिए या साथ में चलने के लिए। तो अभी कंडीशन तो भाई बिल्कुल नहीं ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा ना बड़ी करते हुए भाई इस वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी आप लोग को सजेशन देना हो, कैसे क्या करूँ मैं, किस तरीके से रोड शो मैं कवर करूं। बाकी तबीयत ठीक होने का इंतज़ार करेंगे और मिलेंगे बहुत जल्दी और आएंगे।